मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस बेटे, यस्टरडे वी फिनिश्ड विद एक्सरसाइज 13.2। हरनूर बेटा, आप एक बैंक पीछे हो जाइए कॉपी निकालने के बाद। सो कम टू एक्सरसाइज 13.3। इन एक्सरसाइज 13.3 वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो ओपन दैट पेज इन विच, यस बच्चे, ओपन दैट पेज वेयर यू हैव रिटन द फॉर्मूलाज। लिखे हैं ना फॉर्मूलाज, क्यूब के, क्यूबॉइड, सिलेंडर। नाउ राइट डाउन कोन। जहां पर फिगर्स लिखी हैं वहीं पे लिखना कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा पाई आर एल, वेयर एल इज नहीं कहीं, वहां लिख लो ब्रैकेट साथ में, वेयर एल इज स्लांट हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। अब समझो जरा बात, पाई पाई आर बेटा पाई। इधर देखो, दिस इज अ कोन। अगर कोन को आप इमेजिन करो तो उसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। ये हो गया पूरा डायमीटर, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द वर्टिकल हाइट। ये क्या है, हाइट ऑफ द कोन दैट इज स्मॉल एच। एल इज द स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब ये, this is the slant height represented by a small l. So curved surface area, conical cone की example क्या है, जैसे birthday cap है ना, तो उसका जो curved surface area है वो क्या है, pi r l, सिर्फ side वाला, बाहर वाला, inner अलग है बाहर का अलग है, ठीक है ना। curved surface area means the conical portion which we can touch, that is clear. Total में क्या होता है, ये circulation नहीं होगी मेरी class में। किसने बोला, ये मैम ने बोला कि period में कर लो, इससे disturbance होती है बेटा, नहीं समझ में आएगा फिर जो मैं समझा रही हूँ, ये बाद में करना। सुबह 1 hour होता है, आप 8:20 तक करना, तब या recess में करना। टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस, बेस इज सर्कुलर, सो एरिया, बेस का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। यहां से हम पाई कॉमन लेते हैं, एक आर कॉमन लेते हैं, क्या बचा, एल प्लस आर। सो देयर बाय द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज जनरेटेड। इज दिस क्लियर? हाँ, ये समझाया है बेटे, ये फॉर्मूला लिखना है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का। ये आपको समझाया है कि स्लांट हाइट कौन सी होती है, सिंपल हाइट। अगर हाइट ऑफ द कोन लिखा है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द कोन, देन दैट इज नॉट स्लांट हाइट, दैट विल बी एच। फिर स्लांट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। अगर स्लांट हाइट वर्ड लिखा है तो देन दैट इज एल। सपोज आपको आर गिवन है, एच गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। यू नो कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, बट आपको एल तो गिवन नहीं, आपको क्या गिवन है, एच। तो आप एल की जगह पे एच तो नहीं लिख सकते। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द हाइट, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, सो दिस बिकम्स द 90 degree। तो आप देख सकते हो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यस,
सो कैन वी राइट एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर. यस. सो व्हाट इज एल? एल इज स्क्वेयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर. मीन्स इन द क्वेश्चंस इन विच रेडियस एंड हाइट इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड एल. हाउ यू विल फाइंड एल? बाय दिस फॉर्मूला. Is my point clear? So kindly note down. ये note करोगे ना बेटा? ये curved surface area, साथ में छोटा सा लिख लो where L is the slant height. फिर इसी के साइड पे L, ये लिखना पड़ेगा तभी याद रहेगा. Who has written? अरे मर्जी है युग, जरूरी नहीं है. Cover note बना लिख लिया, इधर आओ फिर मेरा काम करो. Go to 7C, room number 30 upstairs. समझ आ गई? वहां पर मेरा वो टम्बलर पड़ा होगा, एक शेकर है, वो बॉटल वो लेकर आऊंगी. Who is good in drawing in your class? आपसे पूछ रहा कोई? मैंने पूछा जो खुद जो अच्छा वो खुद अपना नाम लेगा. वैसे तो आई डोंट हैव एनी वर्क, बट स्टिल इमरजेंसी में इफ आई हैव टू गेट एनी वर्क डन, हु विल हेल्प? अखिलेश, आई डोंट ट्रस्ट. अंशिका, यू विल हेल्प? आर यू मेकिंग एनी चार्ट ऑफ द क्लास? हु इज मेकिंग? व्हाई यू आर नॉट मेकिंग देन? भाई हाँ, ही इज ऑल्सो गुड इन ड्रॉइंग ना, बट उसने एक बार कठपुतली बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं आई थी. तूने बनाई थी वो कठपुतली? हाँ, बट वो अच्छी नहीं बनाई थी उसने. मैंने बनवाया था उससे एक चार्ट हार्दिक से, जब 8th में, पता नहीं 7th में. चलो फिर, मैंने आपको होल्ड पे रखा है, मना नहीं करोगे फिर अगर कोई काम पड़ गया? ठीक है, आ लिया. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Diameter of the base of the cone is 10.5 centimeter and slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. This is very easy. क्यों पहले L तो given है? Diameter. Look here on the board, beta. Like we have done, radius is 10.5 by 2. We know we have to find the curved surface area. So might be this 10.5 gets cancelled with 7. So पहले इसको 5.25 करने की ज़रूरत नहीं है. अगर तो कोई simple division होती, मान लो होता 10.4, तो हम लिख सकते थे 10.4 का half हो गया 5.2. कर लो चाहे ना करो, ठीक है? तो ये ना हो कि आप रेडियस को गलती से कुछ यहीं पे गलत डिवाइड कर दो, फिर आगे सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा. नोट डाउन. क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाँ जी बेटा हो गया क्वेश्चन। Find the total surface area of the cone if its slant height is 21 and diameter 24. Homework है, ठीक है? Radius given है बेटे, L given है. Formula लगाओगे कौन सा? Pi r bracket L plus r. So it is so easy. Come to the question number 3. Curved surface area of the cone is this and slant height is this. Find the radius and total surface area. This is also very easy. Let's do. Slant height is given to us 14 centimeter. Curved surface बच्चे देखो इधर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल है ना तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के नीचे मैंने लिख दिया पाई आर एल 22/7 इनटू रेडियस इनटू 14 इज इक्वल टू 308 आर इज 308 इनटू 7 ओवर 7 सेंटीमीटर. अखिलेश आप लिख नहीं रहे, कब लिखोगे? जब मैं पूरा लिख दूंगी उसके बाद. सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. उसके बाद बेटा टोटल सरफेस एरिया, बैकस किया तूने? यू हैव डन अ बैकस? गुड, अच्छी बात है. कितनी देर में आ जाता है ऐसे ऐसे वाला? आई कितने सेकंड में? कितने? चलो जितना दिया उतना ही अच्छा. फ्रेंड है वो नेशनल इंटरनेशनल कहाँ कौन से स्कूल में है? ओके कमेंट करेंगे, कुछ सीखेंगे. नहीं कमेंट में तो हमारे बच्चे नंबर वन है. तू अपना नाम ही याद रख ले, इतने बहुत है. क्या नाम है तेरा पूरा नाम? सोच रहा है क्या चल गया सिर पे? हरी आप इलेवन यस बी क्वाइट. दिव्यांशी लिख लिया बेटा? दीपांशी ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वंशिका अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई
एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर. फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट. कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. अब देखो इसमें इन्होंने फर्स्ट पार्ट में लिख दिया कि स्लांट हाइट निकालो. लिसन टू मी द क्वेश्चन. सपोज द क्वेश्चन इज हाइट ऑफ द टेंट इज गिवन, रेडियस इज गिवन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस. तो बेटा जो टेंट है, टेंट का अगर हमने कैनवस का कॉस्ट निकालना है जो भी गिवन है, तो उसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा. तो कौन सा एरिया होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया. टेंट हो गया. टेंट से आपको अगर कोनिकल टेंट है तो उससे आपको क्लियर होना हो जाना चाहिए कि जो टेंट है वो किस पे लगता है. जैसे ग्राउंड पे कहाँ लगता है? जमीन पे, है ना? जमीन पे. उस पे तो नहीं ना हम टेंट, वो जो भी मटेरियल है वो बिछाते, है ना? सिर्फ ऐसे उसका जो कर्व्ड वाला एरिया वो उसी पे जो कैनवस है वो यूज होगा. तो इसका मतलब हमें कौन सा एरिया चाहिए? कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल. तो यहाँ तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट में बोल दिया फाइंड द स्लांट हाइट. अगर ना भी बोलते तब भी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए एल निकालना ही पड़ता. ठीक है, सो लेट्स डू. H 10 मीटर, R 24 मीटर. स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज 26. आगे हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें जो स्क्वायर रूट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, फिर उसमें अप्रोक्सीमेट लेना होता है, वो बाद में सिखाएंगे. अभी 676, ये कैसे 26 का स्क्वायर रूट है ये सबको पता है. यू कैन डू द लॉन्ग डिविजन और यू कैन फाइंड आउट बाय टेकिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑल्सो. सो आई एम, ये लिखना जरूरी नहीं है. एल आ गया बेटे तुम्हारा 26 मीटर. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, रिक्वायर्ड एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल. मल्टी कटिंग हो रही है कोई? ये हो गया हमारा एरिया. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज व्हाट? रुपीज 70. कॉस्ट ऑफ 1 3 7 2 8 0 divided by 7. अभी इतना मीटर स्क्वायर. फिर ये बात नहीं, एक्सक्यूज नहीं हो तुम, रुक जाओ. सैम वही सीधा ही कर रही हूँ बच्चे, सीधा ही कर रही हूँ. कवर नो, देखो तो सही. मैंने ये तीनों नंबर अलग अलग लिखने की बजाय न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया. देखना है नहीं, स्मार्टनेस दिखानी है.
ठीक है, वही पूछ रही थी कि मतलब ये तीन लिखने की बजाय सीधा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो आप अल्टीमेटली ये तो मल्टीप्लाई करने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि कोई कटिंग नहीं हो रही। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट दिव्यांशी एंड वंशिका, बहुत बोल रहे हो। दिव्यांशी सम हो गया बच्चे, व्हाट लेंथ, नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर 5। Yes. Question number 5. Let's discuss. Be quiet. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage is cut in cutting is approximately 20 centimeter. देखो इसका क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपको मैंने पहले भी करवाया था जब शायद सिलेंडर का किया था। तारपलिन मतलब जो जैसे वो पानी रोकने के लिए वो आता है ना, तरपाल बोलते हैं, या मटेरियल याद हो अगर किसी ने क्लास लगाई हो वो, ठीक है। तो वो जब आप मार्केट में लेने जाते हो, ठीक है, तो वो आपको किस हिसाब से मिलती है, एज पर लेंथ। जैसे हम सूट लेने जाते हैं, मान लो कितने मीटर कपड़ा चाहिए, लेंथ के हिसाब से देते हैं वो, विड्थ के हिसाब से नहीं देते। दिस यू नो, ठीक है, यू ऑल मस्ट बी माइट बी नोइंग। सो हमें बता, ये हमारे पास एक तारपोलिन है जिसकी हमें विड्थ गिवन है 3 meter। हमने इस तारपोलिन से क्या किया, एक कोन बनाया, एक कोन बनाया, ठीक है। तो जब उस कोन को खोल देंगे वो एक रेक्टेंगल की शेप आ जाएगी, समझ लो। हमने क्या निकालना है, लेंथ, लेंथ निकालनी है, और एंड में जो स्टिचिंग मार्जिन्स के लिए 20 सेंटीमीटर लेंथ है वो जो लेंथ आएगी उसमें ऐड कर देनी है। क्वेश्चन समझ आई बात? मींस हमने बताना है कि कितना तारपुलिन लेना पड़ेगा जिसकी विड्थ 3 meter है, ठीक है, और लेंथ उसकी कितनी होगी, और उस उतने तारपुलिन से उतने जो भी मटेरियल आपने लिया उससे आपने क्या बनाया, कोन। तो जब उस मटेरियल से आपने कोन बनाया तो वो किसके बराबर हो गया, एक रेक्टेंगुलर तारपुलिन है उसको आपने घुमाकर कोन बना दिया। लाओ पेज दो, ये रेक्टेंगुलर तारपुलिन है, पेज है, ठीक है। अब कोन कोन बनानी नहीं है, एक मिनट बना। अरे पागल है, ये ऐसे समझ आ गई ना थोड़ी सी। ये रेक्टेंगुलर है, चुप करो, समझो। इसको घुमाया, ये मुश्किल से बनाया थी। एक चुप करोगे बेटे, ऐसे कोन बन गई। तो मतलब इस रेक्टेंगल से हमने बनाया कोन, तो ये रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना है, L into B इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हम क्या करेंगे, हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे पाई आर एल, जो भी हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा उसको हम, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द टारपोलिन, दैट इज एल इनटू बी।
बी हमें पता है कर्व सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा लेंथ। फिर उस लेंथ में हम 20 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, वी विल गेट कि इतने इतने लेंथ टार्पोलिन हमें चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द कोन जिसकी डायमेंशंस गिवन। आगे समझ? ठीक है, अब लिखो यहां पर सबको क्वेश्चन समझ आ गया। आदित्य श्योर? एच अब देखो बेटा इसमें हाइट गिवन है, स्लांट हाइट नहीं लिखा। अगर स्लांट हाइट नहीं लिखा और आपने हाइट को एल ले लिया तो क्रॉस लगेगा पूरा। समझ आ गई? H is 8 meter, R is 6 meter, so L is square root of H square plus R square. Yes. L is 10 meter. Now curved surface area of conical tent is pi RL. बताओ। शोर 188 मीटर शोर। चलो देखते हैं। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ द टार्पोलिन, या फिर ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हैं क्योंकि L और B की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो जो तार्पोलिन आई थी जिसको हमने कोन बनाया वो कैसा था? रेक्टेंगुलर। सो 180 या इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले 276 इंटू 10 इज इक्वल टू L इंटू B। L इंटू 3 3 नीचे जाके डिवाइड होगा, इट विल बी एल 3 2 6। ये लेंथ है बेटे, सॉरी कैपिटल एल लो इसको। ठीक है युग, स्मॉल एल इज द स्लांट हाइट, सो दिस इज द टाइम इज रनिंग बेटा, टाइम ओवर हो गया, बेल होने वाली, जल्दी लिखो। आपके पास एल आ गया, एल इज मीटर स्क्वायर 60। अब एन में लिखो जल्दी, आई टेक 1 मिनट एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा लेंथ जो वेस्टेज हुई है दैट इज 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर, टोटल लेंथ इज 62.85। ऐड करो 50 अप्रोक्सीमेट, कैलकुलेशन चेक करना, मैं भी कर लूंगी। इज द क्वेश्चन क्लियर? आंसर नहीं, गलत, उसमें 0.05 का फर्क पड़ गया। सो ऑल ऑफ यू विल डू दिस क्वेश्चन अगेन बाय टेकिंग पाई 3.14। ठीक है, बिकॉज इफ यू विल टेक पाई 22/7 यू विल गेट 0। मेरी बात सुन लो प्लीज, आपका पूरा 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो जाएगा सब्जेक्टिव में।
You have to take pi value 3.14 as written in the question, then only you will get 63. ठीक है, अगर 22/7 लोगे तो क्रॉस लगेगा. सो ऑल ऑफ यू विल डू दिस क्वेश्चन अगेन बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई 3.14. ऑल राइट, सी यू टुमारो. धीरेन मैसेज कर देना.